कनाडा चो ना जिदा काफी लोग जो स्टूडेंट आंदे आ रहे हैं बॉर्डर टप के इतने, जो भी कनेडा च हालात चलते हैं, तो जी सारे दसना सी कि उत्थे ना ट्रीटी जी कंट्री की साइन हुई है। तो हूँ अपने को इदा आ कि आंदे लोग पुछते दस देगा कि यार ता ना केस हो नहीं सकता या अप्रूव नहीं होना। तो शॉर्ट टर्म चलो जे किसी का है सैलम क्लेम वर्क परमिट वगैरह मिल जूगा, पर इवेंचुअली यह पास नहीं होने क्योंकि कैनेडा का रूल आ, कई तो फड़ के उतो वापस भेज देंगे, कई आ जाते हैं। ओके तो उरे जिहड़ा केस लाना वा वकील या पैरालीगल ला देंगे जरूर केस, पर जिहड़ा केस वो पास नहीं होता ट्रीटी करके। ट्रीटी पहला भी सी इन्होंने होर हुण मजबूत करती है, जानी नहीं कितने कनेडा की ट्रीटी जी है। थर्ड कंट्री ट्रांजिट बैन के नाल इहदा कोई लेना देना नहीं है, तो यह ट्रीटी रहनी है। सो अपने कनेडा वाले जो पेपर है ना वो खराब ना करो, पक्के भी कई जो पी आर वाले वो आ रहे उरे। सो हुण जिदा आप वेखते हैं कई साढ़े को यूरोप चो इटली तो स्पेन तो इधरों उधरों कई जगह लोग आए थे, उन्होंने केस भी पास हो सारा कुछ, पर उन्होंने ना चीज होर सी फर्म रीसैटलमेंट बार, वो साड़ी जी आर्गूमेंट होर होंगी है। पर जो कनेडा वाले है उन्होंने वो सेम चीज नहीं है, वो डिफरेंट चीज है, वो फर्म रीसैटलमेंट के नाल तो कोई लेना देना नहीं। वो अच्छा है कि भावे कच्चा भी जो बंदा हो कनेडा च जो पैर उन्हें धरिया वा तो कनेडा च असाइलम फाइल करके डिनाई होना चाहिए, जरूरी है। सो जे कोई सुन रहा ना उन्होंने अपना या सज्जन मित्र भी तुहाडा वा, उन्होंने यही सलाह दो कि कनेडा औखा सौखा करके पक्का हो जाए, क्योंकि हुण जिदा यंग उम्र आ स्टूडेंट स्टूडेंट आंदे आ जो भी उन्हां दा स्टेटस आ कैनेडा दे विच, उन्होंने खराब ना करे, विच फस जाओगे काफी बुरे जिदा। तो अपने जिहड़े कनेडा कनूडा वाली पी आर आ लो सिटीजन बनो, तो फिर अगे E2 या होर जिहड़े वीजे वो राही ऑप्शन जी करो। तो तुहाडा केस जिहड़ा हैगा वो यूरोपियन जिहड़े लोकी उत्थे दे पी आर आ उन्होंने कंपेरेबल नहीं हैगा। सो लोग ये देखते हैं कि इटली वाले का हो गया मेरा भी हो जाना, इदा नहीं हैगा। सो ये अटॉर्नी टेरी कहना ये जो फिर जो कनाडा कैनेडा तो आके जो असाइलम कर रहे हैं ये जी हम ट्रांजिट बैन वाली है या एक वक्री कोई होर ट्रीटी भी सी जिदे नहीं करके ये आप डिस्कस भी किया रेडियो के उ मार्च के उन्होंने साइन की सी इस साल कैनेडा, उन्होंने कि जोड़े इधरों की अमर कैनेडा जाने उन्होंने भी पहला इतने सैलम फर्क करके डिनाई होना चाहिए, जेडे कनेडा तो इधर आने उन्होंने भी डिनाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जेडे ये बॉर्डर आ नॉर्दर्न बॉर्डर जो है ये रूल लग गया ताकि वो जो फ्लो है इमीग्रेंट्स का दोनों पास्यों कंट्रोल कर सकन। जी कनाडा वालिया ने उदा हुण स्टूडेंट वीजे वालों लिए भी प्राइस प्रूइस वधाती आ, वो काफ़ी कुछ उत्थे जिहड़े चेंज वो भी हो रहा है। तो कैनेडा तो जे कोई इधर नूं आ रहा तो भाई इस नूं जिहड़ा मेक श्योर कर लो। हुण देखो पैसे उगराउण दे लई तां कई वारी तुहानूं कोई भी कह देणगे कोई नहीं आपां देख लांगे हो जूगा कर देणगे, पर देखो टर्नी टेरकी आणा भाजी ने तुहानूं डायरैक्टली जिहड़ा उह दस दित्ता भी ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣ ਆਊਗਾ ਉਹ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਆ 2000 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੈਨ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਆਡੀਅנס ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੈਨ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ACLU ਨੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਅਜੇ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਜੇ ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।